क्या हो गया साहिल, क्या हुआ बता ना। अबे अबे खड़ा उठ भाई, खड़ा उठ यार। तो गाइस मेरे पे ये पड़ा हुआ है, ये एक्शन कैमरा था यार, तू होल्ड करेगा? अरे थैंक यू सो मच भाई। तो ये मेरे पे एक्शन कैमरा है, ठीक है, Xiaomi YI का, और ये मैंने पहले बनाया था जो हेलमेट पे लग के ऐसे ऐसे घूमता होगा, वो शॉट आपने अगर नहीं देखा तो मेरी पुरानी वीडियो है, या लिंक आपको इधर या इधर मिलेगा, देखो उस पर क्लिक कर लेना। तो ये भी ले चलते हैं आज, मैंने बहुत टाइम से यूज़ नहीं किया है इसको, तो इसके शॉट्स भी देखेंगे अभी साहिल की सुपर बाइक पे। तो मिलते हैं बाहर। तो अभी हम आ चुके हैं किमाड़ी वाले रूट पे, यहाँ आज संडे है तो यहाँ भाई भीड़ बहुत है, भीड़ ही भीड़ है। और ये मेरा है हेलमेट, जिस किसी ने नहीं देखा हो वो भी मेरी पुरानी वीडियोस देखी यार, मैंने बहुत सारी चीज़ें बना रखी हैं उस पर। तो ये वेनम हेलमेट था मेरे पे पहले से पड़ा हुआ, एंड ये वाली सेल्फी स्टिक से मैंने इस पर 360 वो बना रखा है कुछ। तो अभी इसके शॉट्स दिखते हैं आपको सीधा। Take down and emotions feel like I never did before. Life shows him in spoken reels of the movie I ignored. Blue skies on a broken sea and I'm stuck up on the shore. I never thought you could see me, but you did. All I know is we're here, that they took us somewhere. So what they say we're called is falling out of line. They don't know the two of us are colorblind. तो हाँ जी, ये है हमारा सेटअप, ये देख सकते हैं आप, ये इतना बड़ा जो इधर से इधर ये, और इसको लेके आप चलोगे ना स्कूटी पे तो मज़ा आ जाना है बिल्कुल। सबकी नज़रें आप पे रहेंगी, और ये ऐसे घूमता है, ये देखो बढ़िया बनाया रखा ना। इसकी अगर पूरी वीडियो देखनी है तो लिंक मैंने पहले बता दिया था आपको, वहाँ क्लिक कर लीजिएगा। तो अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ, यहाँ कहाँ, वादियों में भाई, देहरादून में। देहरादून से निकलते ही आप 10 किलोमीटर दूर चलेंगे तो आपको ऐसी वादियाँ दिखेंगी। और अभी हमारा प्लान है लंबीदार माइंस जाने का, जो कि एक हॉन्टेड प्लेस है। गजब गजब। तो यही है बस, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में लोग पब वब जाते हैं, और यहाँ मतलब जो अच्छे एरिया में रहते हैं, जैसे मैं तो यहीं जाता हूँ। साहिल भी, साहिल बताओ। अरे एक नंबर यार। अच्छा तू उधर रहा है बैंगलोर में, यहाँ अच्छा है या उधर अच्छा है, यह पूछने की बात है कोई। जो जो बंदा इधर रहा है ना, वो उसको कभी मतलब मेगा जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वो पसंद नहीं आएंगी। और पीछे लैंडस्लाइड हो रखी है तगड़ी वाली। और यहाँ लवी डवीज भी बैठे रहते हैं, तो उनको डिस्टर्ब ना ही कीजिए तो बेहतर है, आपका भी नंबर आ सकता है कभी। लंबीदार माइंस 14 किलोमीटर है यहाँ से, एंड जैसे कि मैं बता रहा था, लवी डबीज बैठे रहते हैं रोड के किनारे, तो उनको ज़्यादा वो परेशान मत कीजिए, कभी आपका भी नंबर आएगा तो आप भी परेशान होंगे। तो अभी अभी हम आ चुके हैं छोटे से स्टॉप पे, काफ़ी बढ़िया है, मतलब फेमस स्पॉट है। तो ये है तिब्बतन फ्लैग्स। ओ माय गॉड टूरुला। चल अब कहाँ पे, चल कहाँ, यहाँ से रास्ता है। तो ये बहुत ही प्यारी जगह है, मतलब ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं है इधर से, लेकिन यहाँ बहुत ही। और ये तिब्बतन फ्लैग्स यार, ये ना किसी को सिग्निफाई करते हैं ये चीज़, और जब इनमें हवा पास होती है ना तो
तो वो मतलब एरिया पॉजिटिविटी से भर जाता है, इसका मैंने पूछा था किसी तिब्बतन से, और ये रेफर करते हैं लेकिन लैंड सॉइल और मतलब वो चार पांच तत्व होते हैं जो। और भाई व्यू देखिए इस तरफ और इस तरफ, और ये रहा वेलोर वाला जी। ड्रोन उठा रखा तूने? ये जिंदा है अभी? ये जिंदा है? Colorblind, yeah. और हम आ चुके हैं लंबीदार माइंस पे, लेकिन यहाँ लग नहीं रहा कुछ कि यहाँ भूत रहते होंगे, बिकॉज यहाँ संडे है और लग रहा है यहाँ भूतों की जगह इंसानों ने ले ली है। पूरे इंसान ही इंसान है भाई। तो अभी ये हैं लंबीदार माइंस में हम भाई, मतलब जितना सुना था ना उतनी बहुत जगह निकली है। हाँ फोटो सेशन के लिए अच्छा है, प्री वेडिंग्स के लिए अच्छा है। तेरे को कैसा लगा? बता। और एक्चुअली एक वो था जो सामने ये है, यहाँ रोड है ठीक है, यहाँ से लोग आते थे कार लेके यहाँ तक, पूरा यहाँ तक। तो उन्होंने पता नहीं किसी ने बीच में पूरा गड्ढा कर दिया, तो वहाँ से सारी कार वहीं पार्क हो रही हैं अब। और ये प्रेम की निशानी छोड़ते हुए सब लोग। और क्या, आई थिंक ये जिन्होंने निशानी छोड़े होंगे दोबारा कभी नहीं आए होंगे इस स्पॉट पे। जैसे पहले जॉर्ज एवरेस्ट का हाल था, बहुत ही बुरे हाल थे, अब वैसे ही इधर भी मतलब हो गया है, ऐसी इसी सिचुएशन में आ गया ये। तू क्या बोलता है? सही बात है बिल्कुल यार। और दीवार दिखा, देखो दीवार दिखा। हाँ मतलब दीवार भी देखो, और काफ़ी चीज़ें हैं जो नहीं दिखा सकते, बहुत क्रिएटिव लोग हैं, बहुत ही क्रिएटिविटी दिखाई है इधर। यहाँ हम आ गए हैं खंडरों में, क्या लिखा हुआ भाई। और बाकी व्यूज़ तो अच्छा है, और जिसने ये पैक किया है ना भाई, हैट्स ऑफ, क्योंकि ये जगह थोड़ी साफ लग रही है इस वजह से। लगता है कि इधर फोटो सेशंस के लिए ही बनी है ये जगह। तो मैं 35mm लेंस निकालता हूँ अपना, और इसके आप अपने सिनेमैटिक्स डाल देते हैं थोड़ा इधर, थोड़ा ठीक ही लगेगा, क्या बोलता है? अभी हम इसकी प्री वेडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। स्माइल कर दे भाई, स्माइल स्माइल स्माइल, सोच तेरे पास ही है बैठी हुई। ये थोड़ी अच्छी लोकेशन है इधर, ये हाँ मतलब ऊपर, यहाँ थोड़ी ठीक ठीक फोटोज खींची है हमने, यहाँ मतलब थोड़ी ठीक ठाक लोकेशन है। और बाकी ये देखिए
यहाँ लंबीदार माइंस स्टार्ट होती है। बस अब निकलते हैं यार, 4 बज गए हैं इधर ही। और ऐसा कुछ है नहीं इधर, मतलब या तो मैगी खाने आ जाइए या फ़ोटोशूट वगैरह करने आ जाइए, तो बेटर प्लेस है ये एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस। बस यही था इसमें, अभी सीधा वापस जाते हैं, स्कूटी में बैठते हैं और घर के लिए रवाना। क्या हो गया साहिल, क्या हुआ पता ना? अबे अबे खड़ा उठ भाई, खड़ा उठ यार, खड़ा उठ, क्या हुआ? मैं मारूंगा तुमको। साहिल अभी तो देख ट्रिप कंप्लीट, मतलब यहाँ आ गए हम, ठीक है। तू क्या बोल रहा था कि यार हम बड़े हो गए? मतलब ये बड़े हो रहे यार, मजा नहीं, हम ना मैगी खा रहे थे तो ये कह रहा यार हम ना बड़े हो रहे, गलत हो रहा यार। ज्यादा क्यों कर रहे हो ज्यादा? बैग तो नहीं, बैग मेरे पास है। अपनी टिप्पणी दीजिए जरा इस पे, किस पे? तुम बड़े हो रहे हो। बड़े हो रहे यार, मन नहीं कर रहा बड़े होने का, पता नहीं क्यों होते गलत सा हो रहा कुछ। तो दिल बच्चा रखना, फिर दिल तो बच्चा रहेगा ही, उम्र बढ़ती रहती है, समझ सकते हो। गड़बड़ हो रहा सीन। तो ये इसलिए बड़े नहीं हो रहे, ये देखो ये पुराने जमाने की तरह अभी फिर से न्यूट्रल, स्कूटी को न्यूट्रल में डाल दिया है। अब ये देहरादून तक जाएगी बिना पेट्रोल के। सुपर।